Once again, ladies and gentlemen, welcome back. मेरे साथ हैं मोहम्मद उमर और फैसल. फैसल साहब इजाजत है? ओके. बाबर साहब. बाबर साहब आइए, चेक करें. लेट्स सी. उमर की अम्मी का नाम क्या है ये भी बता दो. Need to be together. हाँ वो सबको एक साथ होना बहुत जरूरी है. इस बच्चे के साथ please. असल में मसला ये है कि इनको डॉक्टर साहब की जरूरत है खास तौर पे. ठीक है. दूसरे ऐसा होता है जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. और बाज बच्चों में बाज लोगों में ये कैफियत होती हैं. मगर जिन लोगों के पास आप गए उनकी नॉलेज रूहानियत में शायद कम हो, जिसकी वजह से उन्होंने आपको इस तरफ मोड़ दिया कि आपके बच्चे के साथ जिन्नात हैं या जादू कोई ऐसी चीज है. आलिया को आनी और आज जरूर इस्तेमाल करें आप दवाई के साथ साथ, क्योंकि कुरान में शिफा है. कुरान से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए. कुरान और हदीस से बढ़कर हमारे लिए कुछ नहीं है. कुरानी और आदा पढ़े. सूरत फातिहा आप इनको डेली 101 बार पढ़कर पानी पे दम करके पिलाएं. जब वो मेडिसिन भी इस्तेमाल करें वो उस पानी से इस्तेमाल करें. अल्लाह तबारक व तआला इंशाल्लाह इनको शिफा देगा. बाकी आपके बच्चे के साथ कुछ भी नहीं. मैं यहाँ से बात करूंगा साहिर की. पहली बात तो ये कि नींद की जो टैबलेट्स हैं डॉक्टर्स जो भी दे रहे हैं वो डॉक्टर्स को हम तो अब डॉक्टर्स नहीं समझते. मतलब लॉन्ग टर्म नींद की गोलियां देने से ब्रेन खराब होता है पहली बात. दूसरी बात ये कि जो वाकया जिसने सुने हुए इलाके में जो बातें इसने उड़ती उड़ाती सुनी है, फैमिली ने भी वो बातें सुनी हुई है, तो वो एक ऐसा इम्पोज करने लगती है फैमिली बच्चे के ऊपर कि बच्चे ने वो चीजों को तारी कर लिया होता है. बच्चे बड़े खाली गिलास की तरह होते हैं. जैसा आप उनमें पानी भर देंगे वैसे ही रंग उनमें नजर आने लगता है. नहीं, एक चीज है जो मैं समझता हूँ उमर के बारे में. आई थिंक ही रियली वांट्स टू डू समथिंग. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. ही रियली वांट्स टू बी अभी मैंने आपको ब्रेक पे बोला बड़ा हाइपर एक्टिव है, हाइपर एनर्जेटिक है. अच्छा एक काम करते हैं जल्दी जल्दी इसको क्योंकि आगे बहुत सारी चीजें करनी है. फैमिली काउंसलिंग तुमको एक काम करना है. तुमको यू हैव टू हग योर फादर. अभी गले मिलना तुमको अपने फादर से. गेट अप गेट अप स्टैंड अप स्टैंड अप स्टैंड. हाथ भी चूम ले आप फादर के. नहीं ये माशाल्लाह से हाथ भी चूम ले. थोड़ा सा वालिद के हाथ चूम ले. इससे साहिर मैं बात करूंगा कि बच्चे से ज्यादा फैमिली की काउंसलिंग की जरूरत है. बाज़ औक़ात ढीठ, मैं आपको बड़ा एक सख्त जुमला बोलूंगा, लेकिन जो ढीठ बच्चों की जो पैदावार है ना वो ढीठ माँ बाप भी हैं. बाज़ औक़ात बच्चे खुद बच्चे से माँ बाप से ना भिड़ जाते हैं और कभी कभी माँ बाप बच्चों से भिड़ जाते हैं. अब वो बड़े हैं तो कहते हैं कि बच्चा जिद्दी है. ऐसा एक बात, एक बात मैं एक बात कहना चाहता हूँ. यहाँ मैं माँ बाप की साइड लूंगा बिकॉज मैंने अपने पेरेंट्स को देखा. सी द थिंग इज, देखें पेरेंट्स तो पेरेंट्स पेरेंट्स. मैं आपको एक सच्ची बात बताऊँ, होता क्या है हम बच्चे ना रियलाइज नहीं करते इस बात को. बाप और माँ मुसलसल काम करते हैं, हमको रियलाइजेशन ही नहीं होता. बिल्कुल सही. और जब रियलाइजेशन होती है तो हम बड़े हो जाते. बहुत लेट हो चुका होता. आई स्वेयर बहुत लेट हो चुका होता. लेट हो मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी. जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी. एक ये दिन के लाखों गम और काल पड़ा है आंसू का. एक वो दिन के एक जरा सी बात पे नदियां बहती थी. मुझको यकीन है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी. जब मेरे बचपन के दिन थे चांद में परियां रहती थी. आपको बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. आप लोग प्लीज तशरीफ ले जाइए. और थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. ये बल्कि माइक मुझे. इट डजंट नीड एनी मेडिसिंस. नो नो, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गोइंग टू बी फाइन. एटलीस्ट एक केस ऐसा है जो सॉल्व हो गया है. हमारे पास साइमा है. साइमा अगर आ सकती हैं तो फिर साइमा. साइमा आई थिंक दिस इज साइमा. 4 साल पहले घर में चीज़ें गुम हो जाती हैं. आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग हर. उनके माइक वगैरह जो है वो लग रहा है. 4 साल पहले असरात शुरू हुए हैं. बेटा और बेटी के जिस्म पर कट्स आ जाते हैं. घर में चीज़ें गुम होती हैं. कपड़े कटे हुए मिलते हैं. मलेशिया में सेटल होने गई थी. वहाँ भी प्रॉब्लम्स की वजह से वापस आ गई हैं. एक आमिल साहब ने घर पर अमल किया जिससे ज़्यादा मसाइल हो चुके हैं.
अगर आलिया तैयार, सॉरी बार बार मैं कह रहा हूँ साइमा, मेरे पास चार पांच नाम लिखे हैं, साइमा अगर तैयार हो गई हैं तो प्लीज उनको भेज दीजिए यहाँ पे. इफ साइमा इज देयर. अच्छा माइक अप हो रहा है, माइक अप हो रहा है जी. आई थिंक यही है, लेट्स, वो आएंगी जाहिर है हम उनको, क्योंकि अब वो थोड़ी सी काम हो गई है, तो वी नीड टू टॉक टू हर एंड लेट्स सी, लेट्स सी कि क्या होता है. आपने वो फुटेज देखी नहीं है आई थिंक, कुछ वो फुटेज ऑनर गई थी साइमा की, थोड़ी सी फुटेज ऑनर गई थी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है इट वाज अनबिलीवेबल. इस वक्त ये थोड़ी सी काम है, क्या हम उनको दोबारा हाजिरी करेंगे? नहीं दोबारा नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि आप जी थोड़ी सी अगर आपके पास फुटेज है तो पहले प्लीज मुझे वो फुटेज दिखा दीजिए, जरा सी वो फुटेज दिखा दीजिए ताकि हमको हमको पता चले. असल में ये फुटेज है ये सायमा की फुटेज है कि बार बार, असल मकसूद हमारा हाजिरियां करना नहीं है. सायमा आ चुकी हैं, प्लीज आइए तशरीफ रखिए. अस्सलाम वालेकुम, यू ओके? ओके बस इट्स ओके. ये ब्रेक के दौरान हुआ था, ये हमारे सेट के बिल्कुल पीछे हुआ था. साइमा, डू यू इवन रिमेंबर, आपको कुछ याद भी है? नॉट मच, वेरी लिटिल. आई कांट हियर यू. आई स्टार्टेड फीलिंग अनवेल. You started feeling unwell? Yeah. Okay. I started having burps. ठीक है. That's it. अच्छा, चार साल पहले ये असरात शुरू हुए? We felt the presence in the house 4 years back. Okay. और फिर अब जब से मैंने इलाज शुरू करा उसके बाद इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया कि मेरी एक रात इतनी आवाजें आ रही थी, चीजें इतना गिर रही थी. मेरी तीन मेट्स थी, वो उसी वक्त रात के 12 बजे कहते हम काम छोड़ के जा रहे हैं. मैंने उनको बड़ी मुश्किल से रोका. नेक्स्ट डे सुबह वो तीनों काम छोड़ के चले गए. अब ये हालत है कि नौकर नहीं टिकते मेरे पास, आवाजें बहुत स्ट्रांगली आती हैं, बच्चों के स्क्रैचेस आ जाते हैं, मेरे स्क्रैचेस आ जाते हैं, कपड़े कट जाते हैं. कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो हैं. दोनों बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है जी. एक रात मैं सोई, सुबह उठी तो मेरी चिन पे पूरे जलने के निशान थे. दो तीन दिन बाद वो खुद ही सही हो गए. बेटा मेरा कल सुबह उठा है तो उसके दोनों पाँव पे जैसे स्ट्रिंग्स बांधते हैं उस तरह के निशान थे. और मेरी बेटी को भी अपने ऊपर प्रेजेंस फील होती है. मेरी फ्रेंड आई थी मेरे घर, उसको किसी को रात को मेरी बेटी के रूम में सोई थी वो, शी वाज स्लीपिंग एंड शी डजंट बिलीव इन दीज थिंग्स बिकॉज यूजली वी डोंट, हम लोग नहीं यकीन करते. तो उसको ऐसा लगा कि उसके ऊपर कोई सांस ले रहा है. तो वो रात में उठ के मेरे रूम में आ गई तो वो बैठी कह रही है मे बी मुझे वहम हुआ होगा. तो पीछे से ड्रॉअर खुल के उसको धक्का लगा. मेरी ड्रॉअर्स खुल जाती हैं, चीज़ें गायब हो जाती हैं. रात में ऐसे जैसे कोई फुटबॉल खेल रहा है इस तरह की आवाज़ें आती हैं. असल में वो तो तफसील बता रही हैं खातून, हमने इनका केस देखा भी ब्रेक के दौरान, तो इनके ऊपर शयातीन मुसल्लत किए गए. ये टोटली जादू का केस है जादू और इनके ऊपर जी सिफली अमल हुआ है. जिन्नात नहीं है, सिफली अमल के जरिए से सारे मामलात होते हैं. उस मखलूक को भेज दिया जाता है जो शयातीन के लाते हैं. उनकी मुख्तलिफ ड्यूटियाँ होती हैं, एक ये काम करेगा दूसरे ये काम करेगा, बसों का सब मिलकर भी तंग करते हैं. आपके सामने पढ़ी लिखी खातून है, समझदार भी हैं, और तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि खुद से सारे मामलात इनके साथ होते हों. कट्स भी पड़ जाता है, जैसे कल भी आपने कहा बच्चों को भी कट्स पड़ रहे हैं, इनको भी एक काम करते हैं. आज यहाँ आने से पहले इन्होंने कहा कि कल मेरे बच्चे को पाँव में कट्स पड़े, आपने कहा ना जानते उसके निशान आ गए. तमाम अमल की वजह जो है सिर्फ परेशान करना है. अच्छा, खौफ पैदा करना. एक काम करते हैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास इलायची वाले बाबा भी हैं, वी विल आस्क हिम एज वेल, उनसे भी पूछेंगे कि क्या मसला है और क्या आपकी इजाजत है, पूछ सकते हैं. ओके वजात, यू ओके? हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. आई एम श्योर कि तुम्हारा ओपिनियन जो है वो डिफरेंट है या कुछ और तुम सोचते हो, बट हम उसके बारे में बाद में बात करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक है जी. वी डू नॉट वांट दिस कि हम इन पे दोबारा से हाजिरी बुलवाएं, बिकॉज इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. आपके लिए बहुत पेनफुल है एंड लिटरली मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं. इट वॉज हॉरेबल, इट वॉज रियली हॉरेबल. आई होप दैट यू फील राइट. आई होप कि आप अब ठीक हो जाएं. हमारी पूरी दुआएं आपके साथ हैं. वी गॉट साइकिक भी, हमारे पास मुफ्तियान भी मौजूद हैं, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट भी मौजूद हैं. जो हेल्प हमसे हो सकती है वो हम आपके करेंगे. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद. जाइएगा नहीं, अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं 0342-20-207-5142 यहां कॉल करने का नंबर है. वी बी राइट बैक. Ladies and gentlemen, once again, Elijah वाले बाबा ने अपने पेरेंट्स दे दी. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं आप? ठीक ठाक? शुक्र. हमने
सायमा के केस को सबसे डिस्कस किया है, आपको क्या लगता है सायमा किसके मुताबिक? सायमा के मुताबिक इन पे मुफ्ती साहब कह रहे हैं जादू है, आप क्या समझते हैं? नाम बताइएगा इनका। सायमा। वालदा का? वालदा का नाम तो आई पूछिएगा। क्या नाम है? नेक परवीन। अच्छा एक सेकंड, अगर आप अपना पढ़ लीजिए। मैं ऑफकोर्स आई हैव टू मैगी उंदा चावल उंदा पराठा उंदा मज़ा। ऑफकोर्स कल आपको हम मैगी की फुटेज दिखाने जा रहे हैं जहां मैगी मलका बन जाओ मोहल्ला कॉन्टेस्ट हुआ था उसकी जो विनर हैं, कल हम उनके घर पे जाएंगे, जो इनामात उनको मिले थे वो भी आपको दिखाएंगे, बहुत मज़े की चीज़ होगी। ऑफकोर्स वी लव मैगी। सर मोकलात उनके नाम का तवीज बनाया जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे किसी ने ला के जी जी क्या इनसे पता चल सकता है? ऐसा भी हो सकता है। एक से पता चल सकता है? ओके ये मैं आपको दूँ या क्या करूँ? ना इसमें से कोई सा भी एक अंडा दे मुझे, कोई सा भी एक दे दूँ। दीज आर नॉर्मल एग्स, मैं सबको दिखा दूँ ताकि एवरी वन नोज दीज आर नॉर्मल एग्स। ले लीजिए नीचे वाली ट्रे उतार के दे मुझे। ट्रे दूँ? हाँ जी मुझे प्लेट दे दीजिएगा। यहाँ सामान निकाल के, सामान निकाल दें जी। हाँ जी ओके ये लीजिए जी, वहाँ रखें। आई थिंक इनको हाजिरी शुरू हो रही है। चीज ऊपर काला जादू किया हुआ है और खून से इनका कमरा सिलसिला बना पड़ा है। बहुत जबरदस्त से बैठ जाके देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ठंडा पानी मंगाइए, ठंडा पानी, पानी लेके आइए, पानी लेके आइए। कम कोई क्या, पानी लेके आइए। चादर बिछा दें यहाँ पे इनको कर। चादर, चादर लेके आइए, चादर लेके आइए, जल्दी लेके आइए। और ये अंडा ये देख सकते हैं आप, इट्स ऑल रेड, इट्स ब्लड इनसाइड एंड देयर इज सुइयां हैं। खातून थी उनको बोला, अंडे में सुइयां हैं, अंडे में सुइयां हैं। God, it's horrible. It's horrible. ये लीजिए, ये लीजिए प्लीज। ये लेके जाओ, someone should take this. जला दूंगा मैं इसी टाइम पे। आइए पकड़ के बिठाएंगे, बिठाइए उठा के बिठाएं, जोर लगेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी आपको। जी जी बिल्कुल, अब जितनी भी देर लगे। लेडीज एंड जेंट्स, हम ये हम ये अब जाहिर है इसको इस हाजिरी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। देख के दौरान क्या होगा, दिस इज ऑल रियल, एग्जैक्टली व्हाट हैपनिंग राइट हियर, दिस ऑल रियल। हम इसका खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेट्स सी क्या क्या होता है। आई हैव नो आईडिया। खत्म हो जाएंगे लेकिन आग पे हम लाइव जा रहे हैं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप आग पे हमको देख सकते हैं, आग पे आप देख सकते हैं। अगर हम जियो एंटरटेनमेंट पे खत्म हो जाए तो आप आग पे हमको देख सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। आइए आप कितनी देर है अभी? अभी 5-6 मिनट हमारे पास हैं। अभी अभी आप चैनल चेंज मत कीजिए, अभी चैनल चेंज मत कीजिए, 5-6 मिनट हैं। अगर हम जियो एंटरटेनमेंट पे खत्म होते हैं इस पूरे अमल से पहले, तो इसके बाद हम आपको आग पे नजर आएंगे। डोंट वरी अबाउट इट। मुकम्मल करो इसको, तमाम मुकलात अंडे, अंडे की खत्म नहीं होनी चाहिए। नहीं यार
نہیں نہیں پلیٹ چاہیے مجھے انڈے کی قل علینا تقال ان سمعنا قرانا عجبا يذكر المحسد وان ما فرقناكم عبدا وانكم الينا لا ترجعون يا معشر الجن والانس ان استطعتم اقسمت عليكم وعزمت عليكم اجب يا جبريل حطينا عمري قد يا در طالب حق بالصلي والشان ولا يا در طالب حق يا ابو حق علي قد ملك طريق قد تعالى ما يقول بحق سليمان بن داوود عن معادش كلام جلائت لي بابا نے جو انڈا پھوڑا تھا اس کے اندر سے یہ سوئیاں نکلی ہیں اور جیسے یہ سوئیاں نکلی ہیں ویسے ہی ان پہ حاضری ہو گئی ہے قل احلی یہ دس از وات اٹ از یہ لیے سمعنا قران ان اجم يهدي لكم شفاء من نبي فحسب ان ما خلقناكم ارضا وانكم الينا لا ترجعون يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من امر ربكم عليكم عجب يقنا ربنا قلبكم مياد في سؤال شان قلبا ذات قبل بحق يا ابو عاد طريق الملك طريق ان تدار نہیں نہیں ابھی ہم ہی اللہ ہم جا رہے ہیں اپ کو ڈوری بازار ہم اپ کو بھی چلے گئے یس اس کو کو آپ نہیں نہیں آپ کیجیے آپ کیجیے آپ کیجیے پروگرام چل رہا ہے پروگرام چل رہا ہے ہم جا رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبل بحق یا ابو عاد اشد علی قلب علی قلب علی قلب علی قلب علی قلب بحق سلیمان من داود علی مصر عاد اشد یا بضیع یا سریع یا بضیع علی جائب جبرال جبر قلبی قلب قہر قلب اسرافی وصریع اسرائیل شنجا جنات کو فقل حضر بحق یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی قلت من الظالمین برحمتک یا ارحم بحق الحضرات وحز بحق یا حنان یا منان سبحانک لا الہ الا انت یوسف القاف یا حبک یا حبک یا حبک یا حبک یا حبک یا حبک یا اس وقت انٹرٹینمنٹ سے ختم کر رہے ہیں آگ پہ آپ سوئچ کر جائیے گا آگ پہ سوئچ کر جائیے گا وی آر لائیو دیر آپ ٹی وی پہ سوئچ کر جائیے گا وی آر لائیو دیر ہم انٹرٹینمنٹ پہ جیو انٹرٹینمنٹ پہ ختم کر رہے ہیں اس وقت آگ ٹیلی ویژن پہ سوئچ کر جائیے آگ چینل پہ سوئچ کر جائیے وی آر کمنگ لائیو